हेलो मायूटी फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज हम एक बहुत ही ट्रेडिशनल डेजर्ट के साथ आए हैं और ये ट्रेडिशनल डेजर्ट है गाजर की मालपुए। जी हाँ, ये सुनने में काफ़ी यूनिक लग रहा है ना, और मुझे मालूम है कि 80% लोगों को गाजर के मालपुए के बारे में नहीं मालूम होगा, या मालूम हो भी सकता है। और ये काफ़ी स्पॉन्जी और काफ़ी डिलीशियस बनते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगे हैं मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ 4 गाजर लिए हैं, गाजर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैंने यहाँ मैदा लिया है और सूजी लिया है। दोनों आपको इक्वल क्वांटिटी में लेना है, ना तो कोई चीज़ अधिक ना कम। और यहाँ मैंने मिल्क पाउडर लिया है एंड देन मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स कट किए हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप चाहो तो किशमिश भी डाल सकते हो, बट मैंने यहाँ सिर्फ काजू और बादाम ऐड किया है। तो आप जो गाजर है ना उसको रफली चॉप कर सकती हो, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है और एक थिक पेस्ट बनाना है इसका। तो मैंने इसे रफली चॉप कर लिया है और ड्राई फ्रूट्स को भी अपने इस शेप में छोटे छोटे टुकड़ों में आपको कट कर लेना है। और मिल्क पाउडर हमें 3 बड़े चम्मच लेने हैं बस। आप देख सकते हो कि मैदा मैंने एक कटोरे छोटे कटोरे से लिया है और सूजी भी मैंने एक छोटे कटोरे से एक कटोरी सूजी ली है मैंने। अब हम गाजर को ग्राइंडर जार में डाल के और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। बट हाँ, इसे हमें ना पानी डाल के नहीं ग्राइंड करना है, दूध के साथ ग्राइंड करना है इस गाजर को। तो मैंने यहाँ एक बड़े ग्लास दूध लिए हैं और इसे हमें बिल्कुल एकदम से नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी करके डालना है, क्योंकि अगर ये अधिक पड़ जाएंगे ना तो ये काफ़ी पतली पेस्ट बन जाएगी और ये अच्छी भी नहीं लगेगी अगर ये काफ़ी पतली बन जाती है। तो मैं यहाँ थोड़े थोड़े करके मिल्क को ऐड करूँगी और मैं यहाँ ग्राइंड करके लाई हूँ। तो आप देख सकते हो कि गाजर जो है वो प्रॉपर तरीके से ग्राइंड नहीं हुआ है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर दिया है एंड देन ये फाइन पेस्ट बनके तैयार है। इसकी थिकनेस आपको ना बिल्कुल ऐसी ही रहनी है और मैं एक बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ स्पून की हेल्प से दिखा रही हूँ कि ये कितने इसकी प्यूरीज के जो पेस्ट है ना वो किस तरीके के होने चाहिए, इतनी थिकनेस आपको रखनी ज़रूरी है इसमें। और मैं इसकी जो पेस्ट बनाई हूँ उसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड करूँगी लास्ट में। बट यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने 3 बड़े चम्मच मैदे को ऐड किया है, इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया। मैंने एक कटोरी भले ली है बट यहाँ मैं इसके अकॉर्डिंग 3 बड़े चम्मच ऐड की हूँ और जितना मैंने मैदा ऐड किया है उतना ही मैं यहाँ सूजी भी ऐड करूँगी। उसी चम्मच से 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ सूजी भी ऐड किया है। और मैंने यहाँ इलायची पाउडर लिया था, मैंने इसमें कुछ इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया है और जो मैंने मिल्क पाउडर लिया था वो मैंने 3 बड़े चम्मच ऐड किया है। तो आप ये ध्यान रखना कि हमें इक्वली ऐड करना है मैदा, सूजी और मिल्क पाउडर। और मैंने यहाँ थोड़ी सी शुगर भी ऐड की है। शुगर आपको इसलिए ज़्यादा नहीं ऐड करना है क्योंकि इस मालपुए को हम चाशनी में भी डिप करेंगे तो उससे उसकी मिठास जो है वो काफ़ी ज़्यादा ना हो, इसलिए मैंने इसमें कम ही शुगर ऐड किया है ताकि चाशनी जब इसमें डाले ना तो ये बैलेंस हो जाए। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा इसकी जो स्वीटनेस है, इसकी मिठास है, एक्स्ट्रा हो जाए। तो हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे और आप इसे तब तक फेंटना जब तक ये प्रॉपर तरीके से मिक्स ना हो जाए, जो मैदे, मिल्क पाउडर और सूजी है ना प्रॉपर तरीके से मिक्स ना हो जाए और जो गाजर की जो पेस्ट है वो रेड फॉर्म में ना आ जाए। तो अब हम इसे 30 मिनट के लिए, प्रॉपर 30 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। और अगली तरफ मैंने यहाँ पे पैन रखा है और उसमें एक बड़े ग्लास पानी डाला है क्योंकि हमें यहाँ चाशनी की तैयारी करनी है। और आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ आधी कटोरी से थोड़ी सी अधिक चीनी ली है और हम इसे पानी में डाल देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखना कि जो चाशनी है ना उसको काफ़ी थिक नहीं बनाना है, आप इसको बिल्कुल थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में ही रखना। और मैंने यहाँ पे हरी इलायची जो होती है, खड़ी इलायची, उसे मैंने कूट के डाला। यहाँ मैंने उसका पाउडर नहीं ऐड किया है और स्पून की हेल्प से मैं इसे हल्का हल्का इस तरीके से चला दी हूँ। और इसे हमें बिल्कुल पतला ही रखना है, एक हल्की सी तार बने, आप उंगली पे इसे चेक कर सकते हो, हल्की सी तार बने तब तक के लिए हमें इसे कुक करना है। आप देख सकते हो कि हल्का सा तार बनना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और 30 मिनट हो चुके हैं और अब हम अपने पेस्ट को देख लेते हैं, ये थोड़ी सी और थिक हो गई है। तो
तो इस स्टेज पे आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, ना तो पानी ना तो मिल्क, कुछ भी ऐड नहीं करना है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड मेक श्योर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूँ ना तो उसकी नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंच जाए। और मैंने इस बैटर में जो मैंने गाजर का बैटर बनाया था उसमें मैंने जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो 2 से 2.5 चम्मच मिक्स कर दिया इसमें डाल के, और हम इसमें मिक्स कर देंगे ताकि जब मालपुए खाएँ ना तो उसमें कुछ क्रंचीनेस ड्राई फ्रूट्स के भी आएँ तो वो काफ़ी टेस्टी लगता है। और आपको अगर ये मेरी गाजर वाले मालपुए की रेसिपी अच्छी लगती है तो आप सब प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करना मेरी वीडियोस को। और यहाँ जो ऑयल है ना वो गर्म हो चुकी है तो मैं एक एक करके मालपुए को इस तरीके से तेल में डाल रही हूँ। हल्का से इसे चला भी दूंगी ताकि जो ऑयल है वो पूरे प्रॉपर मालपुए पे आए, और इसका कलर देखो आप धीमे धीमे कैसे चेंज होगा और ये काफ़ी अच्छे से फूल भी रहा है। इट मीन्स जो मैंने बैटर तैयार किया था मालपुए का वो काफ़ी परफेक्ट बना था। ये इस चीज़ की निशानी है कि अगर आपका बैटर काफ़ी अच्छा बना रहेगा ना तो मालपुए काफ़ी फुले फुले से स्पॉन्जी टाइप के होंगे और काफ़ी सॉफ्ट से लगेंगे। तो एक साइड से हमारे मालपुए पक चुके हैं तो मैं इसे टर्न कर दी हूँ, पलट दी हूँ, और इसी प्रोसेस से हमें 1 by 1 करके मालपुए को इसी तरीके से प्रॉपर कुक कर लेना है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना फ्रेंड्स, आप लोग अगर आप लोग किसी चीज़ की क्वांटिटी ऊपर नीचे करोगे ना, लाइक मैदे की, सूजी की एंड गाजर का जो पेस्ट मैंने तैयार किया था उसको अगर आप थोड़ी सी भी लिक्विड फॉर्म में करोगे तो ये बिल्कुल भी छन नहीं पाएगा। इट मीन्स जैसे ही आप बैटर को तेल में डालोगे ना वो बिल्कुल फैल सा जाएगा, जैसे बूंदी बनाते हो ना आप लोग, बूंदी मीठी वाली, या फिर रायते में डाल के आप लोग जो बूंदी खाते हो बिल्कुल उसकी तरफ फैल जाएगा, क्योंकि उसमें कमी है। इसका बैटर बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहिए तभी आपके मालपुए जो हैं वो काफ़ी अच्छे शेप में और काफ़ी स्पॉन्जी फुले फुले से होंगे। तो मालपुए तो बन के तैयार हैं, अब हल्की से जब गर्म रहे ना आपकी चाशनी उसी में आपको मालपुए को डिप कर देना है, और जैसे ही आप डिप करोगे अलट पलट के इसे प्रॉपर तरीके से फिर उसे तुरंत निकाल लेना, क्योंकि चाशनी जो है वो गर्म है। और 1 by 1 करके मैंने सारे मालपुए को इसमें डिप किया है चाशनी में, और मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है, मैं इसे प्लेट में निकाल दूंगी। आप स्पून की हेल्प से बिल्कुल हल्के से चलाना क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अगर आप थोड़ा सा भी प्रेशर डालोगे स्पून का ना तो आपके जो मालपुए हैं चाशनी में वो बिल्कुल टूट जाएंगे। तो आप बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना कि आपको बिल्कुल पोलाइटली से डिप करना है एंड बिल्कुल स्मूथली आपको इसे निकालना है। वहाँ टेस्टी टेस्टी मालपुए बन के तैयार है। अब हम इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर देते हैं। इसकी प्लेटिंग तो मैंने कर दिया और ऊपर से हम थोड़ी सी चाशनी इसमें डाल रहे हैं। आप चाहो तो डाल सकते हो अधिक भी, बट मैंने यहाँ थोड़ी सी चाशनी ऊपर से और ऐड की है, और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स के साथ जो मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे थे अलग से उसको भी मैंने इसमें ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है, ताकि ये दिखने में भी टेम्पटिंग लगे और खाने में भी डिलीशियस लगे। तो आप देख सकते हो कि मेरा टेस्टी टेस्टी सा मालपुआ बनके तैयार है। आप सब भी सेम इसी प्रोसेस से मालपुआ बनाओ, ट्राई करो और अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को खिलाओ, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेडिशनल डेजर्ट है जो कि कम ही ओकेज़न पे बनता है। वैसे आप मार्केट से या घर पे कोई स्वीट डिश ला के खा लेते हो लाइक बर्फ़ी, पेड़ा, लड्डू, बट ये डिश बाय चांस ही सबके घर में बनता होगा। हाँ, इसमें मेहनत ज़रूर लगती है बट ये खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। मैं तो चली खाने, आप भी इस तरीके से बनाओ, ट्राई करो, खाओ, खिलाओ, और मुझे कॉमेंट्स में बताना कि आप सबको कैसा लगा। और आप देख रहे हो कि कितने प्रॉपर तरीके से कट रहा है, कितना सॉफ्ट है, कि ये बिल्कुल आराम से कट गया है। सो खाओ पियो, मज़े करो दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।